हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पसल मेनिया पितंकुर में। कल IBPS PO प्री के पहले दिन का एग्जाम कंप्लीट हो गया और अगर IBPS PO प्री एग्जाम को देखें तो अभी तक जितने भी प्री एग्जाम हुए हैं सबसे बेहतरीन लेवल कल IBPS PO प्री के एग्जाम में हमें देखने को मिला है। हर सब्जेक्ट में काफी ज्यादा मेहनत लगी है अटेम्प्ट बनाने में, खासकर क्वांट और रीजनिंग के सब्जेक्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए। किसी की 48 है, किसी की 50, 52, किसी की 55 अटेम्प्ट हैं। मैंने एक ओवरऑल पोल भी कंडक्ट कराया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज देखने को मिला है अटेम्प्ट का, वो 50 से 60 के बीच में देखने को मिला है। कुछ स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी क्वांट की कि नहीं होगी। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कल भी कहा है, जिस तरह का लेवल हमें क्वांट का देखने को मिला है सेक्शनल कट ऑफ कम ही रहेगी। तो अगर आपके 8, 9, 10 इस तरह के भी अटेम्प्ट हुए हैं ना, आराम से आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि वैकेंसीज कम है तो इस बार IBPS PO प्री की कट ऑफ बढ़ेगी। देखो दोस्तों, हम सिर्फ एक ही फैक्टर को नहीं देख सकते कि अभी प्रेजेंट में वैकेंसीज कितनी है, दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हमें देखना बाकी है कि अभी 6 बैंकों में वैकेंसीज NR है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्री रिजल्ट के पहले ये वैकेंसीज आ ही जाएंगी, लेकिन एक होप तो रखनी पड़ेगी कि अगर मान लिया कि 1-2 बैंकों ने अपनी वैकेंसीज दे दी रिजल्ट के पहले, ऑटोमेटिक कट ऑफ पर फर्क देखने को मिल जाएगा। RRB PO में हमें क्या देखने को मिला कि बिहार स्टेट में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में नोटिफिकेशन में वैकेंसी 0 थी, 120 वैकेंसीज ऐड कर दी। आप सबको पता है कि बिहार स्टेट में RRB PO प्री में कितनी कट ऑफ हमें कम देखने को मिली है। इसलिए मैं हमेशा आपसे बार बार कहता हूँ कि आपने प्री दे दिया ना, तुरंत आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि प्री एग्जाम को तो हम 2 से 3 महीने का समय दे देते हैं, लेकिन जिस मेंस के नंबरों से हमको सिलेक्शन मिलना होता है उसमें हम कितना समय देते हैं, 15 से 20 दिन का समय। 15 से 20 दिन में मेंस की तैयारी नहीं होती है। देखो दोस्तों, अगर आप प्री एग्जाम के बाद मेंस की तैयारी करते हो और जिनका प्री एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मेंस की तैयारी बेकार हो गई, और भी एग्जाम्स बाकी हैं, उसमें भी मेंस होना है, वो तैयारी आपके उन मेंस में काम आ जाएगी। लेकिन जिनका प्री क्लियर हो गया तो जब भी रिजल्ट आएगा ना, उतने दिन में आपकी काफी हद तक मेंस की तैयारी हो जाएगी। इसलिए जो भी आपके अटेम्प्ट रहे हो, आप मेंस की तैयारी कीजिए। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जिस तरह का लेवल हमें IBPS PO प्री में अभी तक देखने को मिला है, जो प्रेजेंट में अभी वैकेंसीज हैं, तो एक्सपेक्टेड अगर रेंज की बात करें तो 52 ±2। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी बाकी है, वो है नॉर्मलाइजेशन। और ये 100% पक्का है कि IBPS PO प्री में भी हमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 100% देखने को मिलेगा। बाकी जिन्होंने IBPS PO प्री पहले दिन दे दिया है, आप कमेंट में जरूर बताएं आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।